आज का हमारा टॉपिक है मीन ऑफ हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं जब हमारे पास रैंडम वेरिएबल एक्स हो जो कि क्या कर रहा हो, जिसके अंदर हमारे पास डिपेंडेंट ट्रायल्स की यानी डिपेंडेंट ट्रायल्स के जो हम करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो उसकी वैल्यूज को स्टोर करवा रहे हों और उसकी जो वैल्यू है वो हम लोग कहते हैं कि वो फॉलो करती है हमारे पास हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसका पीडीएफ हम लोग देते हैं इस तरीके से के सी एक्स इंटू एन माइनस के सी एन माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय एन सी एन, ये हम लोग देते हैं। हम देखेंगे कि हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमारे पास क्या होता है। हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि जो मीन है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के बराबर होता है, जिसको हम लोग इस तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं। समेशन ऑफ, समेशन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास हाइपरजोमेट्रिक डिस्क्रीट केस है। तो हमारे पास क्या है, समेशन इंटू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स हम इसको लेते हैं, जो कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हैं जबकि एक्स इज फ्रॉम जीरो टू एन हमारे पास होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लिखेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं, हमने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट कर अपने पास लिख लिया है हमारे मीन के फॉर्मूले में, जो कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास किस फॉर्म का, हाइपरजोमेट्रिक का, क्योंकि हम किसका मीन निकाल रहे हैं, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम क्या करेंगे, मीन को कंप्यूट करने के लिए हम इस एक्स को सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम लोग जो हमारे पास के सी एक्स कम्बिनेशन है उसको हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है उसमें क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, स्मॉल एक्स आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसको के सी एक्स को और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग के सी एक्स जो हमारे पास गिवन है इसे कम्बिनेशन की डेफिनेशन से हम लोग ओपन कर लेंगे, जो कि हमारे पास क्या होती है, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इन टू एन माइनस आर होल का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स गिवन है, तो हम यहाँ पर आर की जगह एक्स लिख लेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं, हमने यहाँ पर हमारे जो x इंटू के सी एक्स को लिख लिया है, हम इस पार्ट को जो है वो यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। हमने क्या किया, इस के सी एक्स के बराबर होता है उसको हम लोगों ने हमारे जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हमने उसके मुताबिक खोल दिया है, जबकि हमारे पास n इज इक्वल टू k है और r जो है वो हमारे पास x है, तो हमने उसे कम्बिनेशन की डेफिनेशन के मुताबिक ओपन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास x फैक्टोरियल है इसको हम ओपन कर लेंगे फैक्टोरियल की डेफिनेशन के मुताबिक। तो हम इसको ओपन कर लिख हैं, फैक्टोरियल की डेफिनेशन में हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास अगर 2 फैक्टोरियल है तो मैं उसको 2 इंटू 2 माइनस 1 लिख सकती हूँ, यहां पर फैक्टोरियल भी लगा सकती हूँ। तो मैं इसको यहां पर लिख लूंगी, तो मैं इसको लिखती हूँ, हमने यहाँ पर x फैक्टोरियल को ओपन कर लिख लिया है x माइनस होल फैक्टोरियल तक, ये x और ये x कैंसल हो जाएगा और हमारे पास जो रिमेनिंग है उसको हम लिख लेते हैं। हमारे पास जो रिमेनिंग बचा था जब हमने x को x से कैंसिल किया उसको हमने यहाँ पर अपने पास लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास दोबारा एक कम्बिनेशन की फॉर्म बने, ताकि हम इस वैल्यू को जब अपने इस फॉर्मूले में पुट करें तो हम उसको दूसरी टर्म्स के साथ सॉल्व कर सकें। तो हम क्या करेंगे उसको बनाने के लिए कि हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्म बन जाए, हमें पता है कि हमारे पास ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि अगर हम इसको और इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास k माइनस एक्स बने। तो हमारे पास हम इसको देख सकते हैं कि अगर हमारे पास k माइनस वन हो और उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं x माइनस वन से, तो इसको अगर हम सॉल्व करें हमारे पास प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास के माइनस एक्स बन जाएगा। तो हम इस के फैक्टोरियल को के माइनस वन तक ओपन कर लिख लेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं, हमने के फैक्टोरियल को ओपन कर लिखा तो हमारे पास क्या आ गया, के इंटू के माइनस वन होल फैक्टोरियल। ये आप देख सकते हैं हमने इस टर्म को क्या किया हुआ, सर्कल किया हुआ है, क्योंकि ये अब हमारे पास प्रॉपर कम्बिनेशन बन रहा है जिसे हम क्या कह सकते हैं, के माइनस वन सी एक्स माइनस वन। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी जो टोटल वैल्यू हमारे पास हमारे x इंटू के सी एक्स की बनती है वो क्या है, k इंटू के माइनस वन सी एक्स माइनस वन। तो इस वैल्यू को हम हमारे इस फॉर्मूले में पुट कर अपने पास लिख लेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं, हमने यहाँ पर अपने पास इसको लिख लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमने यहाँ पर दोबारा लिखा है कि के जो x इंटू के सी एक्स की जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी वो क्या थी, k इंटू के माइनस वन सी एक्स माइनस वन। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो म्यू था जिसके लिए हमने इस ये वैल्यू को निकाला है यहाँ ताकि हम पुट कर सकें, तो उसको हमने पुट कर लिख लिया है अपने पास। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास जब x था तो 0 से लिमिट शुरू हो रही थी, लेकिन अब 1 से है, क्योंकि हमें समेशन के अंदर
अंदर क्या है, हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो. तो हम लोगों ने क्योंकि एक्स के लिए सॉल्व भी कर लिया है एक वैल्यू के लिए, तो रिमेनिंग वैल्यूज हमारी 1 to n होंगी. k हमारे पास कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकाल कर लिख लेंगे. तो पहले हम इसको बाहर निकाल लेते हैं. तो हम इसको निकाल कर लिखते हैं, हमने यहां पर लिख लिया है, हमने यहां पर एनसीएन को भी बाहर निकाल लिया है क्योंकि वो भी हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कांस्टेंट था, के और कांस्टेंट था, तो उसको हमने यहां पर अपने पास बाहर निकाल कर लिख लिया है. ये हम साथ यहां पर म्यू भी लिख लेते हैं. अब हम क्या करेंगे, इस कॉम्बिनेशन को हमने सॉल्व करना है. तो हमारे पास, हमें एक रूल को यूज करने के लिए कि हम दो कॉम्बिनेशंस को ऐड कर सकते हैं जब हमारे पास समेशन में इस तरीके से गिवन हो, लेकिन हमारे पास यहाँ लिमिट क्या है, वाई की जो सॉरी एक्स की लिमिट है वो 1 है, लेकिन हमारे पास लिमिट यहां से उसके लिए जो है यहां से शुरू होनी चाहिए, 0 से शुरू होनी चाहिए. तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग जो है इसको बनाएंगे किसके बराबर, 0 के बराबर बनाना है. तो 0 के बराबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि y इज इक्वल टू, हम कहेंगे लेट सपोज y कोई हमारे पास है वेरिएबल है जो कि इक्वल है x माइनस 1 के, जबकि x किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा y प्लस 1 के. तो हम लोगों के पास, अगर हम लोग कहते हैं कि x 1 से शुरू होता है, अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो y की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी. और अगर हम लोग इसमें x की वैल्यू क्या करेंगे, पुट n करेंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, n माइनस 1 आ जाएगी. तो इसको हम इस फॉर्म में अपने पास लिख लेते हैं. हम इन लिमिट्स को भी y की टर्म में लिख लेंगे और जहां जहां हमारे पास x आ रहा है वहां वहां हम y को पुट कर देंगे, x की वैल्यू को पुट कर देंगे जो क्या है, y प्लस 1. तो उसको हम वहां जो है पुट कर लिख लेते हैं. हमने यहां पर इसको लिख लिया है, लिमिट्स को भी y की फॉर्म में ले लिया है और x की जगह यहां पे हमारे पास x माइनस 1 था तो यहां पे हमारे पास y आ गया और यहां पर x की जगह हमने y प्लस वैल्यू को पुट कर दिया है जो हम ये साइड पर हमने देखा था कि हमारे पास किस तरीके से आती है. अब हम इन दोनों कॉम्बिनेशंस को जो है ऐड कर सकते हैं सिंपली. तो हम इसको अपने पास यहां पर लिख लेते हैं. तो हम इसको लिखते हैं, हमने यहाँ पर जो हमारे पास टर्म बन रही थी समेशन के साथ उसको लिखा है और हमने इसको कॉम्बिनेशंस को ऐड की फॉर्म में लिखा है. ये सिंपली हमारे पास क्या है, हमारे पास k माइनस 1 प्लस n माइनस k आ गया है और हमने y प्लस n माइनस y माइनस 1, क्योंकि इस माइनस को हमने ब्रैकेट्स को ओपन किया है तो ये प्लस साइन हमारे पास माइनस बन जाएगा. तो जो टर्म्स हमारे पास यहाँ पर कैंसिल होती हैं, ये k और ये k जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर y और y, तो जो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, n माइनस 1, क्योंकि n पॉजिटिव हम उसे पहले लिख रहे हैं, इसी तरीके से स्मॉल n माइनस 1 ये आ जाएगा. तो इस वैल्यू को हम लोग यहां पर अपने म्यू में पुट कर लिख लेंगे. तो इसको हम लिख लेते हैं, हमने वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास म्यू जो है वो क्या है, वो इसके बराबर बन जाएगा. अब इसको मजीद सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो एन सी एन और एन माइनस 1 कॉम्बिनेशन ऑफ एन माइनस 1 दिया स्मॉल एन माइनस 1, इसको हम ओपन कर लिख लेंगे कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के मुताबिक ही. तो हम इसको लिख लेते हैं, हमने यहाँ पर एन सी एन को और जो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बन रहा था इसको यहाँ पर ओपन कर लिख लिया है. अब हम क्या करेंगे, ये जो एन सी एन के डिनोमिनेटर में है ये हमारे पास यहाँ पे न्यूमिरेटर में आ जाएगा. तो इसको हम लिख लेते हैं ताकि हम इसे सिंप्लीफाई कर सकें. तो इसको हम लिखते हैं, हमने यहाँ पर एन सी एन को जो है सिंप्लीफाई करके अपने पास लिखा है, हमारे पास ये फॉर्म आ गई है. हम लोग क्या किया, हमने सिंपली जो इसका डिनोमिनेटर था उसे न्यूमिरेटर में लिखा तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई. अब जो टर्म्स कैंसिल होती हैं हम उसे कैंसिल कर देंगे, ये दोनों टर्म्स हमारे पास आपस में कैंसिल हो रही हैं. इसे मजीद सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने इस स्मॉल एन फैक्टोरियल को और कैपिटल एन फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे ताकि हमारे पास कैपिटल एन माइनस 1 होल फैक्टोरियल और स्मॉल एन माइनस 1 होल फैक्टोरियल बन जाए. तो इसको यहां पर लिख लेते हैं, हमने यहां पर स्मॉल एन फैक्टोरियल और कैपिटल एन फैक्टोरियल को ओपन कर लिख लिया है अपने पास, ये आप देख सकते हैं. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये कैंसिल हो जाती है टर्म्स, हम इनको कैंसिल कर देंगे. तो हमारे पास म्यू किसके बराबर आ जाएगा, के इंटू स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन के बराबर आ जाएगा. हमें पता है कि हमारा जो k by n है ये किसके बराबर है, ये हमारे पास होती है प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस जिसे हम स्मॉल p भी कहते हैं. तो इसको हम लोग म्यू इज इक्वल टू एन पी भी लिख सकते हैं. क्या आ गया, म्यू इज इक्वल टू एन पी, ये हमारे पास क्या है, मीन आ गया है हमारे पास किसके लिए, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोगों ने मीन को कंप्यूट कर लिया है.
तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? आज का हमारा टॉपिक था मीन ऑफ हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और हमने देखा कि हम उसको किस तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं।